अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद ब्रोही और असद ब्रोही व्लॉग्स में खुशामदीद। व्यूअर्स, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और कॉल्स आ रही थी कि जो है ब्रीडिंग पर वीडियो बनाएं और ब्रीडिंग कैसे होती है और किस तरह कराई जाती है और पफ्स की केयर किस तरह की जाती है ब्रीड होने के बाद। तो मेरे पास ये लेटर भी हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज आपको ये गाइडलाइन दूँ कि ब्रीड किस तरह कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे सवाल ये भी होते हैं कि जी फीमेल्स हीट पर कब आती हैं, किस टाइम आती हैं और क्या तरीक़ेकार होता है। देखें, फ़ीमेल जो फ़र्स्ट हीट होती है फ़ीमेल की वो 9 महीने में आती है और 9 महीने के बाद अक्सर 9 महीने में अगर फीमेल की हेल्थ सही नहीं होती, वैसे भी वो अनमेच्योर होती है, तो वो हीट जो है मिस कराई जाती है। तो सेकंड हीट पे कोशिश होती है ब्रीड लेने की। तो सेकंड हीट उसके बाद 3 महीने में भी आ सकती है और 5 महीने में भी आ सकती है। उसके बाद जब मेटिंग होती है उसकी, तो मेटिंग के बाद जो है तकरीबन 60 से 62 दिन होते हैं लिटर होने के, ब्रीड होने के। तो उसमें यह होता है कि कभी कभार फीमेल्स जो है 57 दिन में भी ब्रीड कर जाती हैं और कभी कभार जो है कि 60 और 62 और 64 दिन ले लेती हैं। तो 57 दिन तक की भी ब्रीड सेव होती है। 57 दिन में भी अगर लेटर होता है तो सेव है, अगर 56 दिन में ब्रीड हो जाती है तो वो अनसेव होता है, अनमेच्योर हम उसको कह सकते हैं। बाकी उसके बाद जो है जैसे कि ब्रीड हो जाती है, ब्रीड के बाद बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि जी हमने जो है पपीज़ को वैक्सीन भी कराई, उसके बाद भी जो है ना कि पपीज़ को प्रॉब्लम हुई और जो है ना कि पप्स एक्सपायर वगैरह उनके पास होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि देखें, डिवर्मिंग भी लाजमी होती है। डिवर्मिंग के बगैर भी पप को रिस्क होता है, क्योंकि डिवर्मिंग भी जैसे हमारे पास ब्रीड होती है, जैसे अभी ये बच्चे हैं कोई 20-21 दिन के, 20 दिन के मेरे ख्याल से, मैं डेट देखूंगा, अंदाज़न 20 दिन के हैं क्योंकि कल मैंने इनको डिवॉर्म करना है 21वें दिन। तो हम जब पपी होते हैं, पपीज़ की जो है ना डिवर्मिंग की ख़ास तौर पर जो है ना कि डिवर्मिंग का ख़ास तौर पर हम ख्याल करते हैं कि जी इनको जो है ना कि डिवर्म करें। डिवर्मिंग के बाद फिर हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीन और डिवर्मिंग दोनों लाजमी हैं और दोनों जो है ना कि करनी चाहिए। ये नहीं है कि जी हमने जो है ना कि वैक्सीन कर ली अब बस ठीक है, वैक्सीन भी लाजमी है और डिवर्मिंग भी लाजमी है। तो ये था एक ब्रीड का तरीका कि ब्रीड किस तरह कराई जाती है। और फीमेल की केयर ले लें कि आपने जब फीमेल मेट कराई, मेट कराने के बाद फ़ीमेल की जो नॉर्मल डाइट होती है नॉर्मली आप देते रहेंगे, लेकिन जब 30 दिन से 40 दिन होते हैं तो फीमेल शो करती है। देखिए 45 डेज़ में फ़ीमेल अपना जो है कि पेट शो करना शुरू करती है और उससे पहले जो है ना कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। 20 से 25 दिन 30 दिन में अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं। और अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहते तो आपको तकरीबन 45 से 50 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद पेट शो करती है, लेकिन 40 दिन में ही महसूस होने लग जाता है फीमेल्स का पेट देखकर कि जी हाँ ये कंफर्म है। अगर आपको कंफर्मेशन होती है तो आप उसकी जो है ना कि डाइट चेंज करें और डाइट अच्छी दें, अच्छा डॉग फूड दें उसको। मकसद स्टार्टर, हर कंपनी का स्टार्टर आता है, आप किसी भी कंपनी का स्टार्टर उसको दे सकते हैं। अच्छा डॉग फूड दें और 2 टाइम खाना कर दें अगर आप 1 टाइम दे रहे हैं। तो उससे ये होता है कि फ़ीमेल के जो पप्स होते हैं पेट में वो अच्छी तरह जो है ना कि सेहतमंद होते हैं और वो जो है ना कि जितने भी पपीज़ को जो है ना कि जो पप्स वो डिलीवर करती है तो वो सारे सेहतमंद होते हैं। अगर आप उसकी अच्छी डाइट नहीं रखते, उसमें एक तो ये है कि मिसकैरेज का ख़तरा होता है, और अगर मिसकैरेज नहीं भी होता, सही तरीके से ब्रीड हो जाती है, जैसे कि 7 पपी हैं 8 पपी हैं, तो उसमें से 2 या 3 इस तरह बिल्कुल आपको कमज़ोर जो है ना कि वो आएंगे। 2 या 3 पपी बिल्कुल कमज़ोर होंगे जो है ना कि खुद फीड नहीं ले पाएंगे और जो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाते हैं। और उसके अलावा आप जब ब्रीड हो जाती है, ब्रीड के बाद जो है उस टाइम भी आपने जो है ना कि फ़ीमेल की डाइट का ख्याल रखना है, अच्छे से अच्छा ख्याल रखना है, अच्छे से अच्छा खाना देना है कि ताकि वो जो है ना कि अपने जितने भी पपी हैं उनको फीड करा सके। अगर आप उसको डाइट सही नहीं देंगे, फ़ीमेल में दूध नहीं आएगा, फिर भी आपके पपीज़ को प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद अगर 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 फिर भी फ़ीमेल में दूध नहीं आता तो आप जब ब्रीड हो जाती है उसके बाद फेफड़े का इस्तेमाल लाजमी करें, आप उसको फेफड़ा दें, उससे जो है कि दूध लाजमी फ़ीमेल में आएगा। वैसे तो आ जाता है अमूमन, लेकिन अगर नहीं भी होता तो फेफड़ा दें, फेफड़ा बेस्ट होता है ब्रीड के बाद। तो 1 टाइम आप फेफड़ा दे दें, एक टाइम आप जो है कि उसको नॉर्मल डॉग फूड दे सकते हैं। और पपीज़ जब डिलीवर करती है फ़ीमेल तो आपको सबसे ज़्यादा ये केयर करनी है कि जी आपके पास अगर 5 पपी हैं या 6 पपी हैं, उसमें अगर आपको लगे कि 2 या 3 या 1 पपी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो आपने कम से कम 3 से 4 दिन उस पपी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। उसको आपने फीडिंग करवानी है फीमेल के पास बैठकर, और फिर बाद में दूसरे जो सेहतमंद पपी हैं उनको लगाना है, क्योंकि वो जो सेहतमंद पपी होते हैं वो दूसरे पपीज़ को फीड नहीं करने देते और वो जो है ख़ुद जो है ना कि फीड करते हैं और उसको हटाते रहते हैं। इस वजह से वो मज़ीद जो है ना कि और कमज़ोर होता जाता है और उसमें एक्सपायर होने का ख़तरा होता है पपी का। तो इन चीज़ों का आपने केयर करनी है इन चीज़ों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लेटर भी सेव रहेगा और आप अच्छे तरीके से ब्रीड करा पाएंगे। और ब्रीड होने के बाद 3 दिन तक जितने भी पपी हैं वो रिस्क में हो सकते हैं। 3 दिन जो पपी सर्वाइव कर जाता है 3 से 4 दिन, उसके बाद 30 से 35 दिन तक तकरीबन 60% या 70% कोई उनमें डिजीज़ नहीं आती और कोई मरने का ख़तरा नहीं होता, अगर फ़ीमेल के दूध में इन्फेक्शन नहीं है तो। और अगर फ़ीमेल के दूध में इन्फेक्शन आ गया तो उससे जो है फिर क्या कहते हैं कि पपीज़ जो है ना कि रिस्क में होते हैं, वो किसी भी एज में एक्सपायर हो सकते हैं। शुरू में ही हो जाते हैं अमूमन तो, लेकिन बाद में भी हो सकते हैं। ये आप पपीज़ देख सकते हैं कि ये जो है सारे सेहतमंद हैं पपी, और ये आप देख सकते हैं अभी तक इनको डिवॉर्म नहीं किया, ये मदर फीड पर ही हैं, अभी तक कोई डॉग फूड नहीं दिया। अब इनको मैं डिवॉर्म करूँगा और इनको जो है ना कि डॉग फूड पे लगाने की कोशिश करूँगा, और 20-22 दिन बाद पपी स्लो जो है ना कि डॉग फूड नरम करके देते हैं तो वो खाने लगता है, साथ साथ मदर फीड भी लेने लगता है, लेता रहता है। ये थी आज की ब्रीडिंग के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो, और इसी तरह की अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको मैं और गाइडलाइन दूं, किस चीज़ पर दूं, किस तरह की दूं, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जो दोस्त कॉल्स करते हैं वो कॉल करके भी बता सकते हैं, ये पीछे नंबर भी मेरा ही है पेनाफ्लेक्स पे, तो कॉल करके भी मुझे बोल सकते हैं कि जी इन चीज़ों पे आप वीडियो बनाएं, तो मैं हर कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह की गाइडलाइन दूं। ब्रीड भी आप करा पाएँ और किस तरह ब्रीड होती है, किस तरीके से कराई जाती है और डॉग किस तरीके से रखा जाता है। तो आप कमेंट करिएगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।